श्री मल्लिकार्जुन खड़गे एंड डॉक्टर सरूर शशि थरूर वेयर, मैं आपको ये रिटर्न में दूंगा, सबको बाद में कॉपी मिल जाएगी। वेयर द कैंडिडेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, द पोलिंग वॉज हेल्ड ऑन 17th October 2022 एंड काउंटिंग टुक प्लेस टुडे 19th October 2022 in the presence of the authorized agent of the contested candidate. The total vote polled are 9385. I repeat, the total votes polled are 9385. Sri Mallikarjun Kharge 7897 vote. Mallikarjun Kharge 7897 vote. Dr. Shashi Tharoor 1072 vote. Dr. Shashi Tharoor 1072 votes. Invalid votes 416. 416 invalid vote. 416. As per the Article 18D. of the Constitution of Indian National Congress, I, Madhusudan Mistry, hereby declare Sri Mallikarjun Kharge elected as the President of Indian National Congress. राजस्थान कांग्रेस में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आलाकमान के खिलाफ इस्तीफे की बगावत के बाद कांग्रेस पार्टी के विधायक ने अपनी ही पार्टी के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है और मुखर होकर अपनी पार्टी के नेताओं को घेरने में जुटे हैं। इसमें एक नाम ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा का भी है, जो लगातार अपनी ही सरकार और पार्टी को कटघरे में खड़ी कर रही है। दिव्या लगातार सोशल मीडिया के जरिए भी सवाल खड़े कर रही है। पिछले दिनों राजस्थान कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से पहले राजस्थान के विधायकों ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए इसलिए इस्तीफा दिया था। आलाकमान और पार्टी के अनुशासन को तोड़ने के सभी पर आरोप लगे। ये बगावत दिव्या मदेरणा को भी इतनी नागवार गुजरी कि वो अपनी पार्टी और नेताओं पर लगातार हमला बोल रही है। ओसिया विधायक ने फिर ट्विटर पर अपनी पार्टी और सरकार के विरुद्ध बम फोड़ा है। अपने ट्वीट में लिखा है कि अपने हित के लिए पार्टी बदलना अवसरवाद की श्रेणी में आता है, तो अपने हित के लिए इस्तीफा, नौटंकी से दबाव की राजनीति करना भी अवसरवाद की समांतर श्रेणी में ही आता है। वहीं दिव्या मदेरणा ने बीजेपी के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की बात दोहराते हुए भी ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि उपनेता प्रतिपक्ष @राजेंद्र4BJP मेरी बात को दोहराते हुए की है, जिन्होंने आलाकमान को ललकारा वो आज बैकफुट पर है। त्यागपत्र देना भारी गलती थी, इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करें। इतिहास गवाह है, आलाकमान से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हालांकि आलाकमान के आदेश के बाद गहलोत और पायलट गुट में सुलह होने के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन आलाकमान के विरुद्ध हुई बगावत को लगातार कांग्रेस की ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा को नागवार गुजर रही है, इसलिए दिव्या लगातार आलाकमान के विरुद्ध हुई बगावत की बात दोहरा रही है। कश्मीर में हुई टारगेट किलिंग को लेकर फारूक अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। यही तो मुश्किल है कि उनको दिखता नहीं है ये टारगेट किलिंग जो हो रही है, फिर कैसे है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है। कई चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों के लिए अब मुश्किलें आ रही हैं। आप देखिए, शराब के ठेके भी बाहर वालों को दे दिए हैं, माइनिंग के ठेके भी बाहर वालों को दे दिए हैं, अब एक टूरिज्म सेक्टर था उसको भी वो बाहर वाले ले जा रहे हैं। तो यहाँ के लोग करेंगे क्या, हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ, तो भुखमरी हो जाएगी तो कहाँ जाएंगे। इसी तरह सरकार को सोचना चाहिए, 5A जो था उसका फ़ायदा क्या था, कि यहाँ के लोगों को काम मिलता था, अब वो कहाँ जाएंगे। कुछ लोग न्याय की बात कर रहे हैं, जस्टिस टू होम, किसको न्याय देने की बात कर रहे हैं। मैं उन आंकड़ों को दोहराऊं जो लोग ये बयान दे रहे हैं, तो काली कम पड़ जाएगी उनके चेहरे पर पोतने के लिए। 370 हटने के बाद कहा गया था कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं
कि अगर आंकड़ों को देखेंगे तो काफी कमी आई है। यह सच है कि कुछ निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, लेकिन यह भी सच है कि जो इकोसिस्टम लंबे समय से बनाया गया था और जानबूझ करके बनाया गया था, चाहे वो व्यापार में हो, सरकारी तंत्र में हो, उसको खत्म करने की हर पुरजोर कोशिश हो रही। सहारनपुर के पूर्व विधायक और जिले के कद्दावर नेता इमरान मसूद के एक बार फिर से सियासी पाला बदलने की खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक मसूद अब हाथी की सवारी करेंगे। बता दें कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही इमरान ने कांग्रेस का साथ छोड़ सपा का दामन थामा था, लेकिन अब नगर निगम चुनाव से ठीक पहले इमरान बसपा में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी में खुद को अलग थलग मानने और तवज्जो न मिलने के कारण इमरान ये फैसला लेने जा रहे हैं। इसकी चर्चा सियासी हलकानों में तेज हो गई है। इमरान मसूद ने एक बार फिर से पाला बदलने की सभी तैयारियां अपनी पूरी कर ली हैं। वे अपने समर्थकों के साथ बसपा में शामिल होने जा रहे हैं। बुधवार को लखनऊ में उनके बसपा में शामिल होने की घोषणा भी हो सकती है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इमरान मसूद कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हुए थे, तब उनके पार्टी छोड़ने को लेकर जमकर राजनीति हुई थी, जिसके बाद जिले की सियासी समीकरण भी बदल गए थे और बसपा को अपने ही गढ़ में खाली हाथ होना पड़ा था। वहीं अब इमरान मसूद के बसपा में शामिल होने के बाद सियासी समीकरण एक बार फिर से बदलेंगे। बसपा दलित मुस्लिम गठजोड़ को लेकर चुनाव में ताल ठोकेगी, वहीं सपा और भाजपा को भी अपनी रणनीति में अब बदलाव करना जरूरी हो जाएगा। मैं एक निर्वाचित एक दिल्ली का सांसद हूं। कल मेरे साथ जो व्यवहार किया गया, 19 विधायकों के साथ जो व्यवहार किया गया, दो मंत्री हमारे कैबिनेट के थे वहां पे, उनके साथ जो व्यवहार किया गया, हम रोक पाए क्या? आप कपड़ा फाड़ रहे हैं, कुर्ता फाड़ रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी को सुधांशु जी आप लोग जानी दुश्मन क्यों समझने लगते हैं? देखिए, सुधांशु जी की मासूमियत पे मुझे हंसी आ रही है। ये कह रहे हैं इन्होंने गोवा में 8 विधायक कैसे तोड़े और खरीदे, उसका ये वीडियो टेप जारी करेंगे। ये कह रहे हैं 55 विधायक इन्होंने कैसे तोड़े और खरीदे महाराष्ट्र में, उसका ये टेप जारी करेंगे। उत्तराखंड की सरकार विधायकों को खरीद कर कैसे इन्होंने तोड़ी थी, ये उसका टेप जारी करेंगे। प्रेमा खांडू की पूरी कांग्रेस की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, कर्नाटक की सरकार, विधायकों की खरीद फरोख्त इन्होंने कैसे की थी, उसका ये टेप जारी करके बताएंगे। कल कर दीजिए सुधांशु जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। 7 साल पहले CBI का छापा पड़ा था अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पे, क्या निकला उसमें आज तक? 400 फाइलों की सुगड़ू कमेटी से जांच इन्होंने कराई, क्या निकला उसमें आज तक? 45 विधायकों को फर्जी मामलों में फंसाया, क्या निकला उसमें आज तक? कहां जाए लीगल कार्रवाई करने, किससे हल्ला करें हम लोग? अभी तो आपके सामने इन्होंने नाम लिया कि व्यापम घोटाले में सीबीआई की जांच चल रही थी, यदुरप्पा का घोटाला, रेड्डी ब्रदर्स का घोटाला, कितने घोटाले, शहीदों के ताबूत में घोटाला, इनका तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए पकड़ा गया, उनको सजा हुई। ये हमसे पूछ रहे हैं कि हमने कब बेईमानी और भ्रष्टाचार किया, हम इनको बताएं। अभी तो हुआ है घोटाला, अनाज का घोटाला मध्य प्रदेश में, आप ही लोगों ने दिखाया कि बच्चों के अनाज में इन्होंने घोटाला कर लिया। कौन सी सीबीआई जांच हो रही है? अभी कुछ महीने पहले तो हुआ था, 21,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी गुजरात के पोर्ट पर, कौन सी जांच सीबीआई की हो रही है? 42,000 करोड़ का DHFL ने घोटाला किया और 29 करोड़ रुपए अनरिकॉर्डेड बीजेपी को चंदा दिया है, कौन सी सीबीआई की जांच हो रही है? और मैंने इतने सारे नाम आपको बता दिए, आप उसमें कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अरे भाई, वाटर घोटाला संजय सिंह ने नहीं खोला था, आपकी पार्टी ने बाकायदा बुकलेट जारी किया था हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ। तो वाटर घोटाला करने वाला आपका मुख्यमंत्री, माइनिंग घोटाला करने वाला आपका मुख्यमंत्री रह चुका है यदुरप्पा, तो घोटालेबाजों को तो आप सम्मानित करते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। और तो और छोड़िए, आपके गृह राज्य मंत्री की गाड़ी से 5 किसान कुचल के मार दिए गए, और बेशर्मी की इंतहा देखिए, आज तक वो व्यक्ति आपके सरकार के अंदर मंत्री बना हुआ है। आप हमें नैतिकता की शिक्षा दे रहे हैं, आप हमको बता रहे हैं कि कब कार्रवाई करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। और अंजना जी, ये कहते हैं जबरा मारे रोए न दे, मतलब ये फर्जी मुकदमे भी करेंगे मनीष सिसोदिया पे, 14 घंटे की जांच भी कराएंगे, उनके घर से कुछ निकलेगा भी नहीं, लॉकर से बच्चे का झुंझुना लेके आएंगे, गांव में जाके जमीनों की जांच कराएंगे, कुछ मिलेगा नहीं। पूरे देश में यही काम कर रहे हैं ये लोग,
तो मनीष सिसोदिया ने अपनी पूछताछ के बाद अगर कोई बात कही है और ये कहा है उन्होंने कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी शामिल हो जाइए, आप मुख्यमंत्री बन जाइए, तो मनीष सिसोदिया ने कहा हमें दिल्ली के लाखों बच्चों की शिक्षा के लिए काम करना है। आप बताइए कि वो पार्टी है जब सत्येन जैन को जमानत मिलने की उम्मीद हुई तो जज बदलवा दिया अंजना जी, और आप हमसे कह रही है कि सीबीआई का दुरुपयोग नहीं करती, ये हम साबित करें। किसने कहा? अगर सीबीआई के अधिकारी जांच के दौरान ऑपरेशन लोटस कर रहे हैं सरकार के बिहाफ पर, तो ये मामला बड़ा गंभीर है। इसको तो आप सीधा कोर्ट भी ले जा सकते हैं ऐसे इशू को। तो बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ गंभीर है, मैं तो कह रहा हूँ 9 राज्यों में इन्होंने यही प्रयोग करके गिराया है सरकारें। मैं बता तो रहा हूँ आपके सामने, और कैसे बताऊँ आपको। लीगली जो हमें कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे।